हेलो एंड वेलकम टू एमबी वर्ल्ड। आज मैं तंदूरी चिकन बनाऊंगी। मैंने एक चिकन लिया है, इसे पीसेस में कट कर दिया है। अब हम इन पीसेस में हल्का सा बीच बीच में कट करेंगे। चिकन को हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और एक नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मलेंगे और 15-20 मिनट के लिए अलग रखेंगे। इतनी देर में हम तंदूरी मसाला बनाएंगे। इसके लिए गैस में एक पैन रखना है। पैन गर्म होने पर 4-5 मोटी इलायची, 8-10 लौंग, 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच काले मिर्च, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच अजवाइन। साथ ही में कुछ कसूरी मेथी और 4-5 साबुत लाल मिर्च डालनी है। अब हम इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे और इसे पीस लेंगे। इस पीसे हुए मसाले में 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच सौंठ पाउडर मिलाकर रख देंगे। इस मसाले से बहुत सी रेसिपी बनती हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादा ही बनाकर रखती हूँ। अब मैंने 2 चम्मच भुने हुए चने लिए हैं और इसे पीस लेना है। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो पहले बेसन को भून लें, फिर उसका इस्तेमाल करें। अब चिकन की नेक्स्ट मैरिनेशन रेडी करते हैं। मैंने 2 चम्मच दही लिया है, 1 चम्मच तंदूरी मसाला और साथ में भुने हुए चने का जो पाउडर बनाया था वो भी मिक्स करेंगे। थोड़ा गाढ़ा है इसलिए मैं 2 चम्मच दही और डाल रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप मिर्ची अपने हिसाब से रखें क्योंकि मसाले में भी मिर्ची है। हमारी सेकंड मैरिनेशन रेडी है। अब हम इसे चिकन पे कोटेड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिला देते हैं ताकि इसका कलर और अच्छा हो जाए। तंदूरी फ्लेवर के लिए अब मैं इसमें एक जलते हुए कोयले को रखूंगी और ऊपर से 1 चम्मच तेल का डालूंगी। मैं इसे 2-3 घंटों के लिए ढकूंगी। आप इसे ज़्यादा देर भी ढककर रख सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं इसका कोयला निकाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल का डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे और इन्हें 4-5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये पक गए हैं एक साइड से। अब हम इन पीसेस को दूसरी साइड से पकाएंगे। ये अभी इतने अच्छे से नहीं पके हैं, इन्हें 2 मिनट और रखेंगे। ये देखिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और यकीन मानिए खाने में भी अच्छे ही होंगे। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इन पीसेस के ऊपर अब हम थोड़ा सा चाट मसाला और तंदूरी मसाला डालेंगे। ये हमारा तंदूरी चिकन विदाउट ओवन और तंदूर के रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।